नमस्कार, मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। किसानों को अतिरिक्त कमाई कराएगी शिवराज सरकार, बनाया ये प्लान। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के लिए खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी स्थापित कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि नरवाई जलाने से खेतों में हो रहे नुकसान और घटनाओं को लेकर सरकार चिंतित है। अब किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरवाई जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नरवाई से हम कोयला बनाएंगे। शिवराज 2 मार्च को पेश करेंगे बजट। किसान, सरकारी कर्मचारी और बेरोजगारों को मिल सकते हैं कई तोहफे। इसके इतर बजट के फोकस में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कृषि, रोजगार, कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र रहेगा। वहीं 2023 का लक्ष्य साधने के लिए मिशन मोड में योजनाएं चलाए जाने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इन सबसे बीच सरकार का दावा है कि यह आम लोगों के लिए कल्याणकारी बजट साबित होगा। पेंशन ना मिलने से अकेस लाख लोग हो रहे हैं परेशान। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 260 करोड़ का फंड देने पर की ढिलाई, जिससे मध्य प्रदेश के 21 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन जनता को बैंकों से 2 महीने की पेंशन मात्र 600 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है। दिसंबर की राशि हाल ही में लोगों को दी गई है। केंद्र ने राष्ट्रीय निःशुल्क विधवा पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि में 260 करोड़ रुपए की राशि अभी तक नहीं दी, जिसके कारण भी पेंशन देने में देरी आ रही है। नियमितकरण को लेकर होमगार्ड सैनिकों की मांग तेज, हाईकोर्ट में लगाई गुरा। खबर जबलपुर से। प्रदेश में एक बार फिर से होमगार्ड सैनिक अपने वेतन और कार्यशैली को लेकर हाईकोर्ट की शरण में जा चुके हैं। हाईकोर्ट में होमगार्ड सैनिक द्वारा नियमितकरण और वेतन में नाकाफी को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसके बाद न्यायाधीश ने तीनों बैच की सुनवाई एक साथ किए जाने की व्यवस्था की है। जीएसटी एवं ई कॉमर्स को लेकर अब कैट 1 महीने चलाएगी चरणबद्ध आंदोलन। जीएसटी के जटिल प्रावधान एवं विदेशी ई कॉमर्स कंपनी के विरोध में ऑल इंडिया ट्रेडर्स का राष्ट्रीय आंदोलन जारी रहेगा। अगले चरण में अब कैट 5 मार्च से 5 अप्रैल तक देश भर के व्यापारी संगठनों के साथ आंदोलन महीना मनाएगी, जिसमें देश के 40,000 से ज़्यादा व्यापारी संगठन शामिल रहेंगे। भूपेंद्र जैन ने बताया कि जीएसटी एवं ई कॉमर्स के मुद्दे पर सभी राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, प्रधान सचिव, जीएसटी आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। शिक्षा मंत्री का ऐलान, कोई भी स्कूल हो सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को 6ठा दिन था। सदन में स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड में स्कूल, सभी स्कूल कोरोना काल में बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। यदि कोई स्कूल निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसकी अधिमान्यता समाप्त कर दी जाएगी। सिपाही जीडी सहित कई पदों के लिए सेना की भर्ती रैली, 10वीं-12वीं पास करे आवेदन। भारतीय सेना की देशव्यापी भर्ती रैली अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश युवाओं के लिए शानदार मौका है। भारतीय सेना सिपाही डी फार्मा के साथ सिपाही जीडी, क्लर्क, नर्सिंग, टेक्निकल और ट्रेसमैन पदों के लिए भर्ती रैली का आयोजन करने वाली है। अब कॉलेजों से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी आपके मोबाइल पर, शिक्षा विभाग ने शुरू की व्यवस्था। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले लाखों कॉलेज छात्रों के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने खुशखबरी दी है। कॉलेज से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अब आपको बार बार कॉलेज वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही कॉलेज में बार बार संपर्क करना होगा। कॉलेज से जुड़ी तमाम सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाने के लिए विभाग ने डिजिटल रुख अपनाते हुए सोशल मीडिया का सहारा लेने का फैसला लिया है। पश्चिम रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, 5 राज्यों के लोगों को मिलेगी यात्रा में सहूलियत। खबर अहमदाबाद से। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। डीआरएम अहमदा ने
ट्वीट करके ये जानकारी दी। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए और यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए गुजरात के भुज और उत्तर प्रदेश के बरेली के बीच 2 जोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। 2 विदेशी महिलाएं बिना टिकट पकड़ी गई, जब जुर्माना किया तो रसीद फाड़कर फेंकी। कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में 2 विदेशी महिलाओं को बिना टिकट यात्रा करते हुए रेलवे स्टाफ ने पकड़ा। जब दोनों महिलाएं जुर्माना चुकाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उनको ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। यहां पर महिलाओं ने जुर्माना तो चुका दिया, लेकिन जब रसीद दी तो फाड़कर फेंक दी। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में 2 मार्च से शुरू होगी नाइट सफारी। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में नाइट सफारी शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। नाइट सफारी शाम 7 से रात 10 बजे तक 3 ट्रिप में होगी। भदभदा गेट से 2 मार्च की शाम 6:45 पर्यटकों का पहला जत्था रवाना होगा। पार्क में 1 घंटे की ट्रिप में 13 किलोमीटर का सफर होगा। उधम सिंह नगर में किसान महापंचायत, राकेश टिकैत भी लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आज किसान महापंचायत जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रहे इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शिरकत कर रहे हैं, जो थोड़ी ही देर में महापंचायत में पहुंचेंगे। किसान सुबह से मोदी मैदान में महापंचायत के लिए पहुंचने लगे हैं और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 3 मार्च से बिजली कंपनी में अनिश्चितकालीन काम बंद की चेतावनी। खबर जबलपुर से। बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी की ओर से 3 मार्च से अनिश्चितकाल कामकाज बंद करने के लिए अल्टीमेटम ने कंपनी के उच्च अधिकारी को परेशानी में डाल दिया। पावर इंजीनियर एवं एम्प्लॉय लाइन के नेतृत्व में पिछले 1 माह से कर्मचारी अपने साथ हो रहे भेदभाव को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 मार्च तक मांगों का निराकरण करने के लिए कहा गया है। वे विद्युत कर्मियों की सुरक्षा, वेतन में समानता जैसे मांग कर रहे हैं। बिलासपुर से जुड़ा जबलपुर, आज से नई फ्लाइट शुरू। दिल्ली के लिए भी होगी उपलब्ध 1 फ्लाइट। खबर जबलपुर से। शहर से बिलासपुर सोमवार को हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। अलायंस एयर 1 मार्च से दिल्ली बिलासपुर के बीच नई विमान सेवा शुरू करने जा रही है। 1 विमान जबलपुर होकर गुजरेगा। इसके साथ ही शहर से छत्तीसगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली के लिए भी 1 और फ्लाइट का विकल्प यात्रियों को उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली, भोपाल व बनारस के लिए लंबी वेटिंग, जनरल टिकट के लिए भी इंतजार। जिले से ट्रेनों द्वारा लंबे रूट पर जाने की प्लानिंग कर रहे तो आपका जाना कैंसिल भी हो सकता है। जिले से लंबे रूट की ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। जिले से दिल्ली, भोपाल व बनारस जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में लंबी वेटिंग मिल रही है। कंफर्ट टिकट नहीं मिलने से यात्री परेशान हो रहे हैं। इन शहरों में जाने के लिए 1 सप्ताह तक यही स्थिति रहने वाली है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।